अभी सुबह के 11:30 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ एटीएम पे, क्योंकि मुझे पैसे निकालने हैं। पैसे इसलिए निकालना है बिकॉज आज अपनी आ रही है बाइक। कौन सी बाइक आ रही है वो आपको दिखाई देगी आज के व्लॉग में, तो देखते रहो एंड तक और लाइक कर दो अभी। तो गाइस जस्ट अभी मैं पैसे निकाल के लेके आया हूँ, तो इन पैसों को आज अपने से दूर कर देंगे और बाइक लेके आ जाएंगे। मैं लेट हो रहा हूँ, फटाफट दौड़ता हूँ यहाँ से। एक काम करता हूँ, हेलमेट पे गोप्रो लगाता हूँ और चलता हूँ जल्दी आरटीओ ऑफिस की तरफ, क्योंकि जिस बंदे से लिए उसके बार बार मैसेज आ रहे हैं और वो वहीं पे मिलेगा मेरे को। तो जी फाइनली जा रहे हैं बाइक लेने। मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरी आवाज़ गोप्रो में आएगी या नहीं आएगी। पापा को लेके जाता हूँ, उनकी तरफ थोड़ी डाउन है, तो अभी अब बराबर में जो मोबाइल की दुकान है इस लड़के को लेके जा रहा हूँ साथ में। चलो भाई बस बाइक का अभी हो गया, जो दूसरी पार्टी वाले भैया थे उनके कोई परिचित थे तो वही जो है करा रहे हैं। हाँ तो भी काम नहीं भैया लीजिए, साइन ऐसी कर दो, ऐसी कर दो, जब ली थी ऐसी कर दे। बिल्कुल वैसे यहीं दूँ, उधर ही चलते हुए वही। कितने दिन में आ जाएगी आरती? 8-10 दिन में, 8-10 दिन में कर सकते लेना ना। बाद में ये गिन लो, ये तो पूरे 100 ही हो ना, गिन लो पूरे ना 50। हाँ हाँ भैया बिल्कुल। जी भैया अपनी KTM, अपनी बाइक पर पहली राइड, पता नहीं यार कैसी आवाज़ आएगी, कुछ नहीं पता। लक्ष्मी पापा का जस्ट अभी कॉल आया है, बाइक पसंद आ गई, न्यू बाइक लेके आ रहे हैं। 15 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में। चलो बाहर चलते हैं हम, ठीक है? उनकी कॉल आई जस्ट अभी, अरे 15 मिनट में बाइक लेके आ रहा हूँ। चल भाई मास्क वास्क, कैमरा वैमरा रेडी रखो, मास्क वास्क भैया। ए डक्स जैकेट कुछ हो जाएगी, चल डांस करेंगे दोनों। केटी अब तेरी और तेरी और तेरी भैया, अभी तो आई भी ना है, दिखा तो डांस करो। अरे आ रही है, पर एक बात तो है प्रॉब्लम, नक्श नहीं बैठ सकता। क्यों? हम सब तो बैठ जाएंगे, नक्श कैसे बैठेगा? टंकी पे बैठ जाएगा, यहाँ खड़ी कर लो बस। यही GoPro ने साथ छोड़ दिया क्योंकि इसकी बैटरी हो चुकी है, वो भी आती ही थी चार्ज, तो इसलिए कुछ ज्यादा व्लॉग कर नहीं पाया। जितना भी हुआ जो आपने देखा अभी तक, अभी सिर्फ दीपांशु गई है अंदर, वो सेवल वेवल करते हैं ना, इसलिए ऐसी बस। पता क्या कह रहा था मैं, ऐसे ही नॉर्मल व्लॉग करेगी, पापा बाइक लेने गए तो आप फिर उसको तिलक लगाएंगे। देखो तूने कहा देखा, वो डाल लेना कुछ तो चांदी का, वो सामान कुछ तो अंगूठी अंगूठी कुछ भी डाल दे। अंगूठी तो मेरी सोने की है। तू कह रहे यो कोई बाइक है इसका नाम मुँह ना खोबड़ा, इसे बिठा के जल्दी अंदर भेज दो, ठंड कैमरा लग रहा गिरना जा। हाँ हाँ ठंड हो रही है, मेरे को इस पे बैठना है। इस पे KTM पे। रोजी लोजी आ गई अपनी बाइक घर, यह है KTM 200। अब नक्श को बैठ के देखना है, ऐसा बहुत देर से परेशान है, मुझे बैठा के दिखाओ। हाँ ज्यादा हिलमत इस पे, हिलमत स्टैंड पे खड़ी है। बिठाते भी नहीं हो। बिठाएंगे अभी बिठाएंगे इसको करो। हाँ अरे अंदर करने की जगह तो बना, जगह है बढ़िया, जगह तो बहुत है लेकिन हा? दुकान का स्टॉक भर रखा है जगह जगह। फाइनली अपनी KTM कुछ खवा दो, इसी बात पे बाद में मैं उतार के दूंगा, अभी नहीं फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। आजा उतर, आजा। नहीं, नहीं, मैं को ये चाहिए। हाँ हाँ मैं दूंगा बाद, मैं नहीं देने का फिर, मैं मैम मैम से कह रहा हूँ, रुक वीडियो कॉल करके। हाँ तो फिर आजा जल्दी आ भाई। कैसी लगी? मस्त मस्त। उसे तो देख लो गुस्से में पड़ गया वो। ए क्यों पड़ा गुस्से में? अब इतनी देर बैठा लिया ठंड में बाहर, बता इससे ज्यादा और मैं क्या करूं। बहुत सर्दी हो रही है, कितनी देर बाइक, बेटा इतनी देर तो बाइक पे बैठे हो और कैसे करोगे? अब इसे ना कल शाम को ना इसे लेके जाना एक राइड। हाँ शाम को वो स्टिकर चाहिए स्नेक वाला ना, करा देखो।
चाय पिलवा रहे हो? मेरा एक्साइटमेंट लेवल कैसे दिखाऊं मैं? सो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड कि अभी फाइनली मेरे पास KTM ड्यूक 200 है और अभी हम करेंगे बढ़िया बढ़िया राइड। लेकिन सर्दियां थोड़ी सी कम हो जाए तब एक हेलमेट भी लेना है। अभी ये तो सस्ता वाला सा है लेकिन फिलहाल इससे काम चला लेंगे। इसमें GoPro है और इसने भी आज साथ छोड़ दिया। इसकी एक बैटरी खोगी वो भी ढूंढनी है मेरे को। बहुत सारी चीजें हैं अभी। पहले के बाइक खड़ी करने के लिए जगह बनानी है क्योंकि जो शॉप है उसका बहुत सारा सामान रहता है ना गैलरी में, तो उसको शिफ्ट करके कैसे तो उसे खड़ी करने की जगह बनाएगी। वैसे तो बहुत लंबी गैलरी है पर जगह निकलने का रास्ता बनाना है जो ब्लॉक पड़ा रहता है हमेशा। पहले लेकिन खिचड़ी खा लेते हैं। आज खिचड़ी बनी है काली दाल की क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है इस टाइम मेरे को। तो खाना खाते हैं उसके बाद में फिर बाइक के फोटोज निकालते हैं। सिनेमेटिक्स निकाल लिए मैंने जो आपने देख लिए होंगे अभी तक, वो फोटोज वगैरह खाना खा के निकालेंगे। और यदि आपको फोटोज देखने तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। इंस्टाग्राम पे भी हम फोटोज छोटी मोटी रील वील बना के डालते रहते हैं कभी कभी। अपनी बाइक का खड़ी करने का इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत सारा सामान आ जाता है जो अपनी दुकान का है ना। यहाँ कार खड़ी रहती है, यहाँ पे चीनी के कट्टे लगे हुए हैं, अभी और आने बहुत सारे कट्टे। यहाँ डैडी की बाइक है तो अभी यहाँ पे जगह बनाई जा रही है कि यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हो जाए। वैसे तो बहुत लंबी गैलरी है लेकिन जगह बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ पे जो स्टॉक लगा ना इसको अंदर पीछे रूम में पहुंचा दें। यहाँ रूम में ऑलरेडी हमने बहुत सारा स्टॉक लगा के रखा है, इधर लगाया कुछ स्टॉक और यहाँ पे बहुत सारा है। तो हम सोच रहे हैं जो बाहर है ना उसको भी यहीं पे वो बेड को तकत को यहीं पे डाल देते हैं तो ये पूरा स्टॉक रूम हो जाएगा। साथ में मेरा ऑफिस रूम भी यहीं पे रहेगा। यहाँ पे चीनी के कट्टे आ जाएंगे और उसके पीछे अपनी बाइक खड़ी हो जाएगी नई वाली। यहाँ पे बाइक खड़ी कर देंगे। इतने ही कट्टे हैं चीनी के, अभी कम से कम 15-20 कट्टे और आने हैं आज शाम कल शाम तक। ये हमारी चीनी वगैरह की सप्लाई ना बहुत ज्यादा है। हम डेली के एक दो कट्टा तो बहुत आराम से बेचते हैं डेली। बैठ के देखो तो ऊंची तो है। हवाई जहाज साफ। पापा हाँ मैं ये कह रहा हूँ मेरे को छोटी वाली बाइक देना जिस पर मैं बैठ रखूँ। छोटी वाली बाइक कौन सी? अरे घर में चलाऊंगा मैं ऐसे। कौन सी बाइक छोटी वाली? छोटी वाली ऐसी KTM? नहीं KTM छोटी सी KTM पर मैं बैठूँगी। तो जी अपनी गाड़ी गई है चिन्नी के कट्टे लेने जैसे मैं बता रहा था आपको। तो फाइनली हमारी KTM आ चुकी है घर के अंदर पहली बार और अभी ये यहीं पे खड़ी रहेगी और हम निकालेंगे इसको कल जाएंगे राइड पे छोटी सी पे। और अपने को खड़ी यहीं रखनी पड़ेगी क्योंकि इधर डैडी की खड़ी रहती है और इधर बस इतनी जगह है और इसके फिर पीछे कार खड़ी होगी। तो अपनी अंदर यहीं ठीक है, यहीं से निकाल लिया करेंगे जैसे तैसे करके। सो गाइस रात के करीबन 10 बजने वाले हैं, अभी अंदर जा रहे हैं सोने के लिए और अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी है। अभी हम आपसे मिलेंगे सुबह, कल जाएंगे एक छोटी मोटी राइड पे और फिलहाल के लिए चलते हैं अंदर। मम्मी को भी एक राइड करवानी है, साथ में डैडी को भी एक राइड करवानी है इससे छोटी सी। मुझे तो ज्यादा ही डर लगा तेरी इस बाइक पे। और एक राइड दीपांशी और एक नक, सबकी एक एक राइड इस पे पक्की है। उसके बाद किसी की कोई राइड नहीं, इसके बाद सिर्फ मेरी राइड। तो दीपांशी की नक्स की करवा ले, हमें तो डर लगा भैया। भाई बस अब अरे यार व्लॉग कर लेने देख रहे हो यार, बना लो अब। बेचारे नक्स ने सबको शांत करवाया सिर्फ व्लॉग की एंडिंग करवाने के लिए। चिल्ला चिल्ला गए पापा वीडियो बना रहे हैं व्लॉग बना रहे हैं, चुप हो जाओ सब। अभी जस्ट सिर्फ सोने का टाइम हो रहा है और आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। और यदि आपने पार्ट बीच में स्किप करके देखा है ब्लॉग और अब कमेंट में पूछोगे कि भैया कौन सी वाली बाइक ली है ड्यूक में, कौन सी है, 125 है, 200 है, 250 है, 390 कौन सी है, तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ, मैंने खरीदी है KTM ड्यूक 200। और बाकी राइडिंग एक्सपीरियंस बाद में शेयर करेंगे कि कैसी है, क्या है, कितना मजा आ रहा है चलाने में। राइड करेंगे जैसे जैसे थोड़ी बहुत, कोई शॉर्ट राइड कोई लॉन्ग राइड देखेंगे मम्मी पापा के साथ, इनको लेके जाएंगे इनके साथ भगाएंगे 80-90 बसों पे तो देखेंगे इनके रिएक्शन क्या होता है। ज़्यादा नहीं भगाएंगे मम्मी पापा के साथ, देखो उनको आदत नहीं है पर देखते हैं लेके जाएंगे उनको राइड पर, उनको एक्सपीरियंस दिलवाएंगे। बट एनीवेज इस वाले व्लॉग को यहीं तक रखते हैं,
और आई एम वेरी हैप्पी फाइनली मेरे को बाइक जो मैं ढूंढ रहा था वो मिल गई। बट एनीवेज मैं तो खुश हूँ, बट आप लोग लाइक और कर दोगे तो और भी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार ब्लॉग देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और इसके बाद फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय। बूम मैं भी करूंगा, बूम बूम करो।